जिले के इटावा थाना क्षेत्र के मजुआ शाहपुर मार्ग पर चॉकलेट लेकर वापस आ रहे दो मासूम बच्चों को कार ने ठोकर मार दी, जिससे दोनों को गंभीर चोट आई। ग्रामीण ने आनन फानन में बच्चों को सीएचसी खोनिया पहुंचाया। बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर के लिए रेफर किया। आपको बता दें कि चचेरे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 6 और 7 साल थी, वह ग्राम बड़ता के रहने वाले थे। घर से ही कुछ दूरी पर चॉकलेट लेने आए थे। वापस आ रहे थे तो रोड क्रॉस करते समय कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको देखकर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर के लिए रेफर कर दिया। जब ये लोग बच्चों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो डॉक्टर ने इन बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ये खबर जब परिवार वालों को पता चली तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की। इस बारे में परिवार वालों का कहना है कि हमने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया और एक एफआईआर दर्ज करा दी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि जब दो बच्चे मृत अवस्था में थे, उनकी फॉर्मेलिटी कराकर परिवार को शव दे दिया गया। इस बारे में मृतक के परिजनों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? तहारत रजा। तो तहारत रजा, दो बच्चों की मौत हुई है आपके यहाँ, क्या मामला था, कैसे मौत हुई है? सर, मामला ये था कि दो बच्चे अपने पिता के साथ चौराहे पर, जो उनका मकान बन रहा था, वहाँ पर जाते हैं और वहीं थोड़ी देर रहते हैं। उसके बाद उनके पिताजी उन दोनों बच्चों को कुछ चीज़ें खाने को देते हैं। खाने के बाद वो बच्चे उसी घर के आसपास रुकते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे रोड के बिल्कुल बाईं तरफ पटरी से किनारे होकर लगभग 100 मीटर आगे जाते हैं कि एक बहुत ही तेज गति से खुनियाओं की तरफ से एक सीवी वाहन आती है और दोनों बच्चों को बुरी तरीके से कुचलती हुई खेत में चली जाती है, जिसके कारण उन दोनों बच्चों को खुनियाओं ब्लॉक पर उपचार के लिए, इलाज के लिए ले जाया जाता है। वहां से वो लोग रेफर करते हैं और जिला अस्पताल जाते जाते ही उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस दर्दनाक हादसे में दो सगे चचाजात भाइयों के छोटे छोटे 6 से 7 साल के लगभग बच्चों की मृत्यु होती है और वो बाप जिन्होंने अपने बेटों को जनाजे को अपने कंधे पर उठा करके कब्र में उतारा हो, एक लापरवाह ड्राइवर के चलते। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? इसके लिए हम इटवा थाना में पहुंचे हैं और यहां के एसओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अपराधी को सख्त से सख्त सजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमल हुसैन है सर। कहाँ के रहने वाले? और मैं बाया का निवासी हूँ सर। अच्छा, आपके गांव में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो बच्चों की मौत हुई, पूरा मामला क्या है? सर, दो बच्चे गए थे सामान लेने के लिए और वह पटरी पे खड़े हुए थे, पटरी के नीचे, और गाड़ी आई बहुत तेज रफ्तार से आई और दो बच्चे थे जिनका नाम मोहम्मद जैद और एक का नाम मोहम्मद रजा था। वो दोनों बच्चों को ठोक्कर मारी, लापरवाही से गाड़ी आई और रोते हुए उनका वहाँ दर्दनाक मौत हो गया। आप लोगों ने शिकायत नहीं की क्या? सर, मैं ये मांग कर रहा हूँ कि मैं जो भी हमारे अधिकारी उच्च अधिकारी हैं उनसे मांग है कि उचित कार्रवाई हो और उसको सख्त से सख्त सजा हो। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की है? सर, हम लोग थाने पे तहरीर लेकर आए हैं, एफआईआर दर्ज किए हैं सर, और वहाँ पर हर कार्रवाई प्रक्रिया हो रही है। ये सुनते हैं इस बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है। बच्चों की मौत हुई है, यहाँ पे आए थे, क्या पूरा मामला था? यहाँ के रहने वाले थे बच्चे, और क्या? दो बच्चे, एक 7 साल का था, एक 6 साल का था। वो कार के टक्कर में कोई कार वाला मार दिया और वहीं ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। और वो खुनिया ब्लॉक के बढ़िया गाँव के रहने वाले थे, इटवा थाना पड़ता है। जब यहाँ 2 बजे आए तो एक्सपायर थे, 2:10 PM पे। ये थी इटावा से हमारे संवाददाता की खास खबर। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें टुडे जुनून पर।